किसी भी इलेक्शन में जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसके लिए सबसे परिवार महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिवार का मोरल सपोर्ट और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है कि परिवार का पूरा सपोर्ट मिले। दिग्विजय सिंह जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं राजगढ़ से, और उनके बेटे जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधायक भी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, कितना सपोर्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके पिताजी लंबे समय बाद जो है वो राजगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। जी, सभी की भावना थी कि दिग्विजय सिंह जी एक बार फिर राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ें। वैसे उनकी इतनी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब पार्टी ने उनको कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए है, तो आप जानते हैं उनकी आदत, वो कभी भी मना नहीं करते। तो लेकिन हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे राघोगढ़ हो, चाचौड़ा हो, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, सुसनेर, सभी जगह जो संबंध रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के, बहुत ही आत्मीय संबंध रहे हैं। उन्होंने सभी के सुख और दुख में शामिल होने का सदैव प्रयास किया है। 50 साल पहले लगभग वो पहली बार विधायक बने थे, और तब से लेकर आज तक उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है जनसेवा के लिए। तो इस बार हमें विश्वास है कि जो काम किया है दिग्विजय सिंह जी ने पिछले 50 साल में, उसका उनको फल मिलेगा। और 7 मई को राजगढ़ लोकसभा के जो मतदाता हैं वो उनको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि अगर वो सांसद बन के आते हैं वो भी लोकसभा से, तो कहीं ना कहीं जो हमारा संसदीय क्षेत्र है यहाँ पे जो जनता की एक मांग रहती है कि कोई एक बड़ा नाम राजगढ़ के लिए दिल्ली में रहकर अपने बिंदु उठाएं, अपनी जो यहाँ पे विकास कार्यों के बारे में बात करें, और क्योंकि वो हमेशा यहाँ के हमारे मुखिया रहे हैं, तो सबकी इसलिए भावना है कि वो एक बार फिर लोकसभा के माध्यम से दिल्ली पहुंचे। मैंने देखा आपके भी छोटे छोटे वीडियो आते हैं, आप भी प्रचार करने जाते हैं, क्या बात करते हो आप वहाँ जाके? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं बस करता हूँ जो मम्मा ने क्या करने के लिए। जी, देखिए मैं देखता हूँ कि सर तो लगातार प्रचार में रहते ही हैं, आप लोगों का कितना सपोर्ट रहता है और किस तरीके से पूरे अभियान को आप लोग भी चुनाव प्रचार में कभी जाते हैं? जी मतलब प्रचार तो एक प्रकार से वो हमारे जहन में, खून में है एक प्रकार से, क्योंकि पद हो या ना हो, और जैसे जो परवरिश भी है पहले ही से, हमेशा से वो सबके लिए, पब्लिक के लिए, और दाता जैसे मेरे फादर इन लॉ, ये टू द एक्सटेंट दे नीड मी जहां भी, वरना बैकग्राउंड में इतना वो उनका खाने का देखना और गृहस्थी संभालना उसी में लगे रहते हैं। क्या लगता है इस बार आपको महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि देखिए लगातार महंगाई बढ़ रही है, महिला होने के नाते आपको भी लगता होगा कि क्या क्या परेशानी है? जी मुद्दा मेरे हिसाब से एक प्रकार से कि संतुष्टि का, एक प्रकार सबकी अलग अलग मांगे होती हैं, किसी को महंगाई महसूस होती है, किसी को नहीं होती है, तो आप हर जैसे युवा हो गया या फिर महिलाएं हो गए या बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, सबको सबका अलग वो संतुष्टि कैसे आप उनको संतुष्ट करो, तो किसी का महंगाई होगा, किसी का बेरोजगारी होगा, किसी का स्वास्थ्य होगा, लेकिन जैसे जब मैं आई यहाँ पे राघोगढ़ में शादी होके, तो तीन चीज दरबार बोलते हैं, माय फादर इन लॉ को सब दरबार बोलते हैं, राजा साहब बोलते हैं, उन्होंने और इन्होंने मुझे तीन चीजें पे बोला कि फोकस करना है अपन को, एक स्वास्थ्य, एक नौकरी और शिक्षा, तो हम पूरे टाइम उसी में समर्पित रहते हैं सबके लिए कि ये तीन चीजों पे फोकस। सर इस बार जैसे बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार, इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है कि जो 400 पार का नारा है उसको रोका जाए? नारा जरूर भाजपा का है, लेकिन हमारे क्षेत्र में चर्चा है कि ऐसा ना हो कि वो बात कर रहे हैं पेट्रोल को 400 पार करने की। महंगाई 10 साल में ऐसी कर दी कि पेट्रोल हो गया 55-60 से 110। कहीं ना कहीं आज हर व्यक्ति भाजपा की महंगाई से परेशान है, चाहे हम खाने के तेल के दामों के बारे में बात करें, डीजल के दाम के बारे में बात करें, रसोई गैस की जो कीमत बढ़ी है, और जो आश्वासन दिया था भाजपा ने कि सरकार बनने पर रसोई गैस की टंकी 450 रुपये में दी जाएगी, वो भी वादा पूरा नहीं किया। आज भी हर कहीं ना कहीं घर जो वृद्धि हुई है गैस सिलेंडर के दामों में, उससे भी परेशान है, त्रस्त है। तो ये जो आंकड़ा भाजपा का है बस एक शोबाजी है,
ये बस इनका एक प्रचार है ताकि जनता को लगे कि ऐसा माहौल है, लेकिन जमीन पर कोई ऐसा माहौल महसूस नहीं हो रहा है। आप कोई भी राज्य के बारे में बात करें, जो उनके पास वर्तमान सीटें हैं वो कम ही हो रही हैं, कहीं भी उनको वृद्धि नहीं मिल पा रही है। तो हम तो कह रहे हैं कि इस बार तो कहना कि उनकी सीट आधे से कम ना हो जाए, लेकिन ये जो 400 पार का वो मामला है, जैसा मैंने कहा, अगर उनकी सरकार गलती से भी आ गई तो महंगाई ऐसी हो सकती है, लेकिन वोट तो ऐसे उनको नहीं मिलने वाले। सर, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, खासकर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्या आप कारण मान रहे हैं और क्या लग रहा है कि इससे पार्टी कमजोर हो रही है? जो कुछ लोग ऐसे निर्भर रहते हैं सरकार के ऊपर, जिनको कहीं ना कहीं एक कुछ लोभ लालच रहता है सरकार के द्वारा उनको मिले, या कुछ ठेकेदारी का काम हो या फिर कुछ अन्य कुछ उनकी कुछ ऐसे कुछ सरकारी कामकाज हो, तो वो लोग झुक के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आज भी जो ऐसा नेता है, ऐसा कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जो कांग्रेस के विचारों के लिए समर्पित है, जिसमें धैर्य है, जिसमें साहस है, वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। वो इस समय में भी, चाहे वो समय संघर्ष का हो, डटकर जनता के लिए काम करेगा। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जनता के बीच जाकर हमारा संदेश पहुंचाए। जनता अगर हमें कहीं ना कहीं उनका मत हमको नहीं मिलता है जितना हमें उम्मीद होती है, तो हम और ताकत से काम करें, हम जनता की भावना को समझें। लेकिन जो कांग्रेस के विचार हैं वही कहीं ना कहीं इस देश की भी विचारधारा है, और देश के भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए यह अनिवार्य है कि कांग्रेस जमीन पर और मजबूत हो। और तभी हो पाएगा जब हम लोग विपक्ष में रहकर भी संघर्ष करेंगे, ताकत से काम करेंगे, और जो विशेषकर नई पीढ़ी है उनको कांग्रेस की विचारधारा के बारे में थोड़ा और हम उनको बताएं, समझाएं, हमारा संदेश हर घर तक पहुंचे, हर वर्ग तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। एक सवाल आपसे, कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये उस बात को प्रचारित करती है राजा साहब को लेकर, वो सनातन विरोधी है, आप तो घर की महिला, आप घर में मैंने देखा बहुत सारे मंदिर हैं, राजा साहब जब यहाँ रहते हैं तो किस तरीके से पूजा अर्चना वगैरह, क्या दिनचर्या उनकी रहती है? वो तो जैसे आपने देखा है यहाँ पे, तो किले पे हमारा जो रीति रिवाज है वो नया नहीं है, पुराना है, पुश्तैनी है। जो जैसे किला 300 साल से ऊपर पुराना है, तो हमारे जो भी परंपरा उस टाइम था वही चलते आ रहा है। तो ये और हम आप एक प्रकार से ये भी करते हैं, अपने दाता को देखे थे और खमा दाता बोलते हैं अपने ग्रैंडफादर को, हम भी मतलब बहुत स्टैमिना रिक्वायर्ड होता है पूरा करने का, और जो हर छोटी सी और हर चीज यहाँ पे ऐसा होता है कि एक अलग ही दुनिया एक प्रकार से यहाँ पे। और जैसे पूजा पाठ तो एक निजी चीज है, और अगर वो मतलब और किले के दरवाजे हमेशा हमारे लिए नहीं, सबके लिए, पब्लिक के लिए खुले रहते हैं, तो सब आते हैं। जैसे आज रामनवमी है और किले के अंदर 12 मंदिर हैं, और यहाँ पे जो परंपरा भी होती है वो एक प्रकार से एक मानो आप शादी का सेलिब्रेशन जैसा ही होता है, तो बहुत धूमधाम से, तो वो एकदम गलत है, वो तो संभव ही नहीं है और ऐसा बोलना मेरे फादर इन लॉ के लिए। और बस जी सर, इस बार अगर बात करूं तो छिंदवाड़ा और राजगढ़ सबसे ज्यादा बीजेपी फोकस कर रही है, देखा कि कल अमित शाह से लेकर तमाम जो बड़े नेता आ रहे हैं, राजगढ़ में भी उसी तरह के दौरे हो रहे हैं, क्या है मतलब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को उनके गढ़ में घेरने का प्रयास कर रहे हैं? बड़े बड़े भाजपा के नेता पूरे मध्य प्रदेश से और दिल्ली से आ सकते हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता जानती है कि आज दिन तक जो भी बड़े विकास कार्य छिंदवाड़ा में हुए हैं वो कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और कांग्रेस की देन रही है। और वहीं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भी लगभग सभी जो बड़े विकास कार्य हो, चाहे उद्योग के हों, चाहे शिक्षा के हों, चाहे सिंचाई के हो, ये सब विकास कार्य कांग्रेस के माध्यम से किए गए हैं, या तो जब दिग्विजय सिंह जी प्रदेश में मंत्री थे, या फिर जब वो मुख्यमंत्री थे, या फिर जब देश में सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह जी की थी, उस समय भी जैसे मोहनपुरा और कुंडालिया डैम है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों डैम के माध्यम से भी जो विकास हुआ है, पार्वती डैम भी जो निर्मित हुआ है, गोपी किशन सागर, संजय सागर,
सुमेरी डैम, ऐसे अनेक सिंचाई के यहाँ पे हमारे पास व्यवस्था है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं लाखों किसानों को लाभ मिला है। तो ये सब काम कांग्रेस की देन है। 10 साल से राजगढ़ लोकसभा में सांसद भाजपा के हैं रोडमन नागर जी, जो इस बार पुनः खड़े हुए हैं, उनके द्वारा एक भी ऐसा काम नहीं है जो उन्हें किया हो जिसको वो गिना सकते हैं कि नहीं वो उनकी उपलब्धि है। तो जब हमारे बीच ऐसे सांसद 10 साल रहे हैं जिनके द्वारा एक भी बड़ा काम हो नहीं पाया, तो फिर जनता इसलिए ये चाह रही है कि जिसने सब कुछ किया है राजगढ़ क्षेत्र के लिए, अनेकों योजनाएं जिन्होंने दी हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं जनता के लिए ऐसा प्रयास किया है जिसके द्वारा जनता की जो आर्थिक स्थिति है उसमें वृद्धि हो, बेहतर शिक्षा मिले, तो इसीलिए हमें विश्वास है कि इस बार जो हमारे मतदाता हैं वो पूरा आशीर्वाद कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह जी को देंगे। सर, मैंने देखा कि आपने रामनवमी की पूजा बड़े लंबे समय तक की, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर का जो आमंत्रण आया वो ठुकराया गया, क्या लगता है कि कोई कांग्रेस से कोई चूक हुई या बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया? देखिए, भगवान राम हम सबके हैं और हम सब भगवान राम के हैं। जरूर हम सब अयोध्या जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे, लेकिन भाजपा होती कौन है ठेका देने वाले कि कौन राम भक्त है कौन नहीं है। भगवान राम का इतिहास सदियों पुराना है। हमारे देश में और पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति जो सनातनी है, हम सब की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं भगवान राम से, हम सब उनको पूछते हैं। भाजपा तो सिर्फ 40 साल पुरानी पार्टी है, वहीं भगवान राम का और हिंदू धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है। तो भाजपा कौन होती है इसमें तय करने वाली कि कौन हिंदू है कौन नहीं है, कौन राम भक्त है कौन नहीं है। हम सब भगवान राम को पूछते हैं आज से नहीं सदियों से, और सदैव पूछते रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, राजा साहब को अगर जनता यहाँ की आशीर्वाद देती है तो आप पहली मांग राजा साहब से क्या करेंगे इस इलाके के लिए ताकि लोग खुशहाल हो? ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, उनको ज्यादा पता रहेगा सबको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसका उत्तर मतलब जितने वो तो तब से करते आ रहे हैं और घर है वो यहाँ, मतलब ये हमारा क्षेत्र ही नहीं, हमारा गृह इलाका है। तो और ये मतलब वो हेड हैं फैमिली के, तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे भी कि कल जब मेरी सिंधिया जी से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी 384 ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहते हैं, ईवीएम का रोना अभी से शुरू कर दिया है। वो कहते हैं जब हारने लगते हैं तो ईवीएम नजर आता है, कर्नाटक और हिमाचल जीतते तब ईवीएम अच्छी हो जाती है। देखिए, सिंधिया जी की निजी राय है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। उनने वो तो कांग्रेस के थे पहले, कांग्रेस छोड़ के क्यों गए, हारने के बाद भी वो थोड़ा साहस दिखा सकते थे, डटे रह सकते थे, और फिर कांग्रेस से ही अगर वापस जीत के आते तो कहना कि उनका नाम और रोशन होता। लेकिन उन्होंने कहीं आसान एक रास्ता निकाल लिया खुद के लिए सौदा करके। जहां तक बात ईवीएम की है, मैं स्वयं 3 बार लगातार जीता तो हूं ईवीएम के माध्यम से, लेकिन निर्वाचन में मैं मशीन पर भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि पूरे विश्व में लोकतंत्र जहां जहां भी स्थापित है वहां जनता का अधिकार रहता है कि जहां भी वो अपना मत डाल रहे हैं वो उसको छू सके भौतिक रूप से और उनको जानकारी मिले तत्काल कि उनका वोट कहां जा रहा है। यहां 3 मशीनें हैं, एक में आप बटन दबा रहे हो, दूसरे में चिन्ह दिख रहा है, और तीसरे में जब कुछ दिन बाद आपको नतीजा दिखता है। तो आप कैसे मतलब इस पर विश्वास कर सकते हो? आज जो एक जमाना आ गया है टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहां पर सबसे आधुनिक मशीनें जो विश्व की हैं जैसे आईफोन है, अनेक और ऐसी मशीनें हैं, वो सब हैक हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है? तो ये देखिए, दिग्विजय सिंह की पूरी फैमिली थी हमारे साथ, सबका यही कहना है कि राजा साहब लगातार इलाके में मेहनत कर रहे हैं और जो भी इस इलाके का विकास नजर आता है वो उनके कार्यकाल का ही हो, और उनको पूरी उम्मीद है कि चुनाव में भी फिर से जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 राघोगढ़।